Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about Dr. Samuel Johnson in the light of literary criticism. So friends, he like Alexander Pope as well as John Dryden, he also belongs to Enlightenment Age. So we associate him under the category of Enlightenment Age critique. And friends, now in this lecture, I am only talking about his introduction as well as introduction of his major works which he contributed in the field of literary criticism. And friends, I will be making another video lecture in which I will be discussing his important work in detail. So please stay tuned, and now I am proceeding with my lecture. So let's start. There was conflict going in between literature, between reason and imagination. So friends, उस टाइम पर जिस टाइम पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है रह रहे थे, उस टाइम पर लिटरेचर में रीज़न एंड इमेजिनेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. व्हेन ही वॉज राइटिंग, इट वॉज एन एंड ऑफ एनलाइटनमेंट. सो जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखना शुरू किया था, सो उस टाइम पर एनलाइटनमेंट एज जो है वो जो है ख़त्म हो गया था, एंड रोमांटिसिज्म की उस टाइम पर शुरुआत हो गई थी. आर्टिस्टिक कन्फ्यूजन गोइंग बिटवीन रीज़न एंड इमेजिनेशन. सो इसी तरह से, क्योंकि एनलाइटनमेंट एज जो है उस टाइम पर ख़त्म हो गया था एंड रोमांटिसिज्म जो है की शुरुआत थी, तो क्या हुआ, आर्टिस्टिक कन्फ्यूजन जो है रीज़न के बीच में और इमेजिनेशन के बीच में जो है क्रिएट होने लगा उस टाइम पर, जिस टाइम पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन लिख रहे थे. सो आर्टिस्टिक कन्फ्यूजन गोइंग बिटवीन रीज़न. सो रीज़न को जो है हम एनलाइटनमेंट एज से एसोशिएट करते हैं. सो ये क्या हुआ, ओल्ड एटीट्यूड हुआ. एंड इमेजिनेशन को हम जो है रोमांटिसिज्म से एसोशिएट करेंगे, एंड ये जो है न्यू आउटलुक हुआ. सो ओल्ड ट्रेडिशन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज अंडरमाइंड बाई द राइजिंग रोमेंटिक स्कूल. सो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो ओल्ड ट्रेडिशन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म जो है, जो कि ओल्ड एटीट्यूड था जिसे हम एनलाइटनमेंट एज से जो है एसोशिएट करते हैं, ये जो है धीरे धीरे जो है बदलने लगा रोमांटिसिज्म में. उस टाइम पर जो है रोमांटिसिज्म जो है की शुरुआत होने लगी थी. सो इस सेंस में लिखा गया है, ओल्ड ट्रेडिशन स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज अंडरमाइंड बाई द राइजिंग रोमेंटिक स्कूल. देन ही कम्प्लीटेड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो फ्रेंड्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर का टाइटल क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को कम्प्लीट किया था 1755 में, जिसके ऑनर में मतलब सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर टाइटल दिया गया. So he completed Dictionary of English Language in 1755. In the honor of that dictionary, he was given the title Doctor. Then, अब हम बात करेंगे major critical works के बारे में. So सबसे पहले इनका work था Preface to Dictionary, जिसमें इन्होंने literary criticism पर अपने views दिए हैं. Talked about his views on literary criticism. He defined words in a dictionary. इस डिक्शनरी में जो है उन्होंने मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो है कुछ वर्ड्स को जो है डिफ़ाइन किया है बहुत अलग तरीके से. सो ही डिफाइंड वर्ड्स इन अ डिक्शनरी इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. एसे अकॉर्डिंग टू जॉनसन डिक्शनरी मीन्स. सो जॉनसन के डिक्शनरी के हिसाब से एसे का क्या मतलब होता है, अ लूज सेली ऑफ द माइंड एंड इरेग्युलर इनडाइजेस्टेड पीस. सो एसे को मतलब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो एसेज को पसंद नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है एसे को लिखना जो है हम एसे के थ्रू जो है किसी के माइंड पर जो है अटैक करते हैं. एसे लिखकर जो है हम जब भी एसेज लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन के अकॉर्डिंग एसे जो है अ लूज सेली ऑफ द माइंड है, क्योंकि इसके थ्रू जो है हम इसको लिखने के साथ साथ जो है हम किसी के माइंड पर अटैक कर रहे हैं, और ये एक ऐसा इरेगुलर पीस है जो मतलब जो इजीली जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सो ये जो है व्यूज़ है सैमुअल जॉनसन के एसे के बारे में. ही डिफाइंड ऑगस्टन पीरियड एज अ इंग्लिश पोएट्री. सो ये जो है सैमुअल जॉनसन जो है ऑगस्टन पीरियड को मतलब डिफ़ाइन करके बताते हैं कि वो जो मतलब उस टाइम पर जो है इंग्लिश पोएट्री को जो है मतलब और भी ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल बनाया जॉन ड्राइडन ने. सो ही डिफाइंड ऑगस्टन पीरियड एज अ इंग्लिश पोएट्री, कि ऑगस्टन पीरियड जो है उस टाइम पर इंग्लिश पोएट्री का जो है मैसिव प्रोडक्शन हुआ, और साथ ही साथ उन पोएट्रीज़ को
ज़्यादा ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने वाले जो थे वो जॉन ड्राइडन थे. ही डिफाइंड ऑगस्टिन पीरियड एज अ इंग्लिश पोएट्री एम्बेलिश्ड बाई ड्राइडन. देन इनका सेकेंड वर्क जो है उसका नाम है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें ये बात करते हैं शेक्सपियर के मैरिट्स के बारे में और साथ ही साथ डी मैरिट्स के बारे में. इनके थर्ड वर्क का नाम है लाइव्स ऑफ द पोएट. फोर्थ वर्क का नाम है हिस्ट्री ऑफ रासेलास. एंड फिफ्थ वर्क का नाम है एसेज एंड आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रैम्बलर. सो फ्रेंड्स, इन सभी वर्क को मतलब प्लीज़ याद रख लेना, क्योंकि ये सारे जो है मतलब किसी भी फॉर्म में जो है क्वेश्चन बनकर आ सकता है एंड यूजीसी के पेपर में जो है पूछा जा सकता है. देन सिक्स्थ वर्क का नाम है ऑन द जीनियस ऑफ बायोग्राफी. सो फ्रेंड्स, ये जो है एक ऐसे है जो कि सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया है. अब हम बात करते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स व्यूज ऑन हिस्ट्री एज पर द रैसेलास. सो इन्होंने जो है एक वर्क लिखा था हिस्ट्री ऑफ रैसेलास, जिसमें इन्होंने अपने व्यूज़ दिए थे. सो उसमें ये क्या बताते हैं, द बिजनेस ऑफ द प्लॉट इज़ टू एग्जामिन, कि जो एक वर्क होता है उसमें प्लॉट होता है. सो उस प्लॉट का बिजनेस ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल के इंडिविजुअल करेक्टर को एग्जामिन करना और साथ ही साथ और उस प्लॉट में जितने भी स्पीशीज है साथ ही साथ इंडिविजुअल को एग्जामिन करने के साथ साथ उन स्पीशीज को भी एग्जामिन करना, ये प्लॉट का बिजनेस होता है. सो द बिजनेस ऑफ द प्लॉट इज़ टू एग्जामिन नॉट द इंडिविजुअल बट द स्पीशीज. Then, in the history of Rasselas, during the evening of a single week, when he was paying funeral to his mother, कि इन्होंने एक वर्क लिखा था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने हिस्ट्री ऑफ रैसेलास, उसमें जो है इन्होंने एक इवनिंग के बारे में बात बताई है, जो कि सिंगल वीक में जो इवनिंग थी उसके बारे में ये बात बताई है. व्हेन ही वाज पेइंग फ्यूनरल टू हिज मदर, एंड ये जिस समय अपनी मदर को फ्यूनरल दे रहे थे तो जॉनसन ने जो है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं इमलैक बनकर. इमलैक क्या, कौन है इसमें, पोएट है. सो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है डायरेक्टली ना करके, उन्होंने जो है इमलैक की वॉइस में जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है. सो जॉनसन एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ थ्रू इमलैक, और इमलैक जो है वो एक पोएट है और वो जो है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहा है कि पोएट्री का क्या नेचर होता है. देन इमलैक सेज दैट पोएट्री इज़ द हाइएस्ट लर्न इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, एंशंट पोएट्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट. कि इमलैक कहते हैं, इमलैक जो है दरअसल ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की आवाज़ है. सो इमलैक कहते हैं कि पोएट्री जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट ऑल कंट्री में जो है पोएट्री को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि एंशंट पोएट्स भी जो है पोएट्री को बेस्ट समझा करते थे. द प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट शुड बी डराइव नॉट फ्रॉम द बुक्स, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बताते हैं कि जो जजमेंट है उन्हें बुक से जो है नहीं डराइव करना चाहिए, और मतलब जजमेंट को जो है रीज़न से जो है डराइव किया जाना चाहिए, ना कि बुक से. योर ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि आपका जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाइफ को लेकर कैसा रहा, सो उस बेसिस पर जो है जजमेंट की जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. द प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट शुड बी डराइव नॉट फ्रॉम द बुक्स बट फ्रॉम रीज़न, कि रीजनिंग करनी चाहिए एंड फिर जो है चीज़ों को जज करना चाहिए. एंड वो रीजनिंग कैसे होगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकली लाइफ को एक्सपीरियंस करते रहेंगे, आप जो है मतलब आपके मतलब माइंड में जो है ओपिनियंस फॉर्म होते चले जाएंगे एंड उस बेसिस पर जो है आप चीज़ों को जज कर पाएंगे. सो ये जो जजमेंट है ये बुक्स को पढ़कर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक इंसान के प्रैक्टिकल लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होनी चाहिए. देन मॉडर्न राइटर्स कैन ओनली प्रोसीड बाई इमिटेटिंग एंड रिफाइनिंग द वर्क ऑफ क्लासिकल राइटर इज़ फॉल्स, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मॉडर्न राइटर्स, जिस तरह से मॉडर्न राइटर्स को अटैक किया जा रहा है ये कहकर कि वो मॉडर्न राइटर्स जो है वो इमिटेट करते हैं क्लासिकल राइटर्स के वर्क को, ये मतलब कम्प्लीटली स्टेटमेंट को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रिजेक्ट कर रहे हैं एंड बता रहे हैं कि कोई इंसान जो है इमिटेट करके महान नहीं बन सकता. नो मैन वॉज एवर ग्रेट बाई इमिटेशन बाई इमलैक एंड द पोइटिक एक्सीलेंस कैन बी अचीव. सो इमलैक बोल रहे हैं,
की पोइटिक एक्सीलेंस को तभी अचीव किया जा सकता है जब हम जो है नेचर या फिर लाइफ को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, तभी जो है हम मतलब पोइट्री को ग्रेट बना सकते हैं। और बता रहे हैं कि इमिटेशन करके यानी किसी चीज़ को कॉपी करके हम जो है महान नहीं बन सकते। और जो मॉडर्न राइटर्स पर ये अटैक किया जा रहा है कि मॉडर्न राइटर्स जो है क्लासिकल राइटर्स के वर्क को इमिटेट करके और अपनी पोइट्रीज रिफाइन करते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन कम्प्लीटली गलत है ऐसी स्टेटमेंट। देन अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की क्या व्यूज़ है पोइट्री के बारे में। सो इट इज़ द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर, कि पोइट्री इनके अकॉर्डिंग जो है एक कला है जिससे हम जो है प्लेजर को यूनाइट कर सकते हैं सच बताकर। और साथ ही साथ पोइट्री जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, सो इस सेंस में लिखा है इट इज़ द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विद ट्रुथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन, कि हम जो है अपनी इमेजिनेशन से एक मतलब पोइट्रीज के थ्रू यूनिवर्सल ट्रुथ क्रिएट करते हैं जिसके साथ हम जो है प्लेजर को ऐड ऑन कर देते हैं। सो पोइट्री जो है एक कला है। अकॉर्डिंग टू प्री रोमांटिक पोइट्री गिव्स प्लेजर बाय इमेजिनेशन, सो जो रोमांटिसिज्म से पहले जो एज थी उसे हम प्री रोमांटिक के नाम से एसोसिएट करते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्री रोमांटिक पोइट्री गिव्स प्लेजर बाय इमेजिनेशन, कि प्री रोमांटिक पोइट्री जो है मतलब हम एज अ रीडर्स को जो है प्लेजर प्रोवाइड करती थी क्योंकि उस वो जो है इमेजिनेशन पर मतलब वो पोइट्रीज जो हुआ करती थी जो कि प्री रोमांटिक मतलब पीरियड में लिखी जाती थी, सो वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होती थी, इसलिए जो है हम एज अ रीडर्स उससे प्लेजर डराइव कर पाते थे। पोइट्री इमिटेट्स द ट्रुथ बाय लॉजिक, कि पोइट्री से जो है हम जो है मतलब ट्रुथ को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बाय लॉजिक, क्योंकि पोइट्री के अंदर जो है लॉजिकल सेंस में जो है चीज़ों को बताया जाता है। सो इससे जो है मतलब इस सेंस में जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बोल रहे हैं कि पोइट्री इमिटेट्स द ट्रुथ, पोइट्री जो है ट्रुथ को यानी यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है इमिटेट करती है लॉजिकल सेंस में, एंड फिर जो है हम एज अ रीडर्स इसे पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्लेजर बाय इमेजिनेशन, यस, क्योंकि पोइट्री जो है इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, सो हम जो है जब दूसरे मतलब पोइट्स की पोइट्रीज़ को रीड करते हैं तो हम जो है उनकी इमेजिनेशन को मतलब फील कर पाते हैं जिसकी वजह से हम एज अ रीडर जो है प्लेजर डराइव कर पाते हैं। द एंड ऑफ राइटिंग इज़ टू इंस्ट्रक्ट बाई प्लीजिंग, कि मतलब कि राइटिंग का एंड हो जाना जो है ये बताता है कि हम जो है इसके थ्रू जो है इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और लोगों को जो है प्लीज कर सकते हैं यानी अपने व्यूज़ के थ्रू जो है कन्विंस कर सकते हैं। अ पोएम प्लीजेस मैनी, कि पोएम जो है बहुत सारे रीडर्स को जो है प्लीज करती है और बहुत मतलब पोएम का जो इम्प्रेशन होता है वो एवर लास्टिंग होता है। सो अगर पोएम को फील करके पढ़ा जाए तो पोएम जो है उसका इफ़ेक्ट जो है हम पर एवर लास्टिंग होता है। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम्स। एंड फ्रेंड्स मैं इसी पर जो है दूसरा लेक्चर बनाऊंगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।